पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इससे पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए, मौली के हाथ पीले कर दो। ठीक है माँ। अभी शादी नहीं करनी है मुझे। जानकी माँ, आई नो आपको मेरी चिंता है, पर अभी मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। अभी तो मैं शादी का ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहती। अगर तुझे पाल पोस कर हमने बड़ा किया होता तो दखल देने का हक भी होता। तू मनु की बेटी है, तुम बाप बेटी को जो सही लगे वो कर लो। चीजें अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। जानकी माँ भी धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट कर लेगी पापा। बहुत जल्द ये घर एक होगा। नहीं मौली, मेरे बेटे और मेरी पत्नी की हरकत के बाद मेरी तो उम्मीद ही टूट गई है। माँ मुझे कभी भी अपनाएंगी नहीं। पापा Tell me one thing. जहां से ये कहानी शुरू हुई थी उस पॉइंट पे जाके अगर इस कहानी का हिस्सा ही चेंज कर दे तो सब ठीक हो जाएगा ना पापा? जानकी माँ आपको माफ कर देंगी ना? पर ये तो करेगी कैसे? सिर्फ मैं नहीं, हम मनीषा बुआ की शादी कराएंगे। हाँ, आफ्टर ऑल इस कहानी की शुरुआत आपके मुंबई चले जाने की वजह से मनीषा बुआ की शादी टूटने से स्टार्ट हुई थी ना। मौली, डू यू रियलाइज क्या बोल रही है? मनीषा की शादी क्यों नहीं कर सकती पापा? ऐसा कहीं थोड़ी लिखा है कि एक एज के बाद शादी नहीं हो सकती। एंड आई एम श्योर अगर हम ढूंढेंगे ना तो अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। एक बार मनीषा बुआ की शादी हो गई ना तो जानकी माँ के दिल का घाव भी भर जाएगा और वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगी। वैसे तो ठीक ही कह रही है, पर मौली मानस की हरकत के बाद अपनों से ही मुझे डर लगने लगा है। पराए लड़के पे कैसे हम भरोसा करेंगे? एक लड़का है पापा, करण, जिसे मैं जानती हूँ और वो मनीषा बुआ से प्यार भी करता है। ऐसा है क्या? पर मनीषा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। शायद डरी हुई है वो, क्या पता नहीं घबरा रही होंगी। पर आप चारों भाई मिलकर रिक्वेस्ट कीजिए ना उनसे कि वो मान जाए शादी के लिए, प्लीज। मौली सच ना, तू मजाक तो नहीं कर रही है? ये पापा मजाक का टॉपिक है ही नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। आप लोग प्लीज वो जी से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि वो मान जाए। अगर ऐसा है ना मौली, तो मनीषा को तो मना कर ही रहेंगे। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच मौली, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। जिस किसी से भी तू शादी करेगी ना, वो दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा। क्यों किया आपने ये मेरे साथ राम जी? ये जानते हुए कि राहुल को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स क्यों जगाई आपने? और कुछ नहीं तो बस इतनी हिम्मत दे दीजिए मुझे कि मैं अपनी लाइफ और अपने इमोशंस को काबू में रख सकूं।
तो ठीक है। मुझे क्या होगा? क्यों, तुम्हारे पास दिल नहीं है, उसमें कोई दर्द नहीं हो सकता? दिल है, पर दिल दुखाने का टाइम नहीं है चाची जी। एक नया मिशन जो मिल गया है। मिशन? कैसा? मनु, ये मनीषा और करण की बात जो तू बोल रहा है पक्की है ना? प्यार तो करता है ना हमारी बहन से? हाँ दादा, मौली ने खुद बताया मुझे, और आज सुबह भी तो उसे मनीषा के लिए फूल भेजे ना। बड़े खूबसूरत फूल है, किसने भेजे हैं? वो स्कूल में स्टूडेंट्स है ना मेरे, उन लोगों ने भेजे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से लड़के के बारे में छानबीन करनी चाहिए। हाँ, मनीषा इस बात को छुपा रही है तो कोई तो बात होगी। तू क्या बोलता आपको? मुझे तो बस मनीषा दीदी को खुश देखना है। जो भी बात है उन्हीं से पूछ लेते हैं। और उससे पूछेगा कौन है? और कैसे? मनीषा, तू सोच रही होगी ना कि तेरे मनु दादा ने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या दूं। कोई बात नहीं। नहीं, मतलब मैं समझ गया हूँ कि क्या देना है। साथ लाया भी हूँ। क्या लाया? ये चुनरी। चुनरी। तेरे दादा तोहफे में तुझे एक नई शादीशुदा जिंदगी देना चाहते हैं। के नाम से ही चेहरा लाल हो रखा है इसका। आज जोड़े लाख मिन्नतें की, लेकिन ना तो परिवार माना और ना ही अमित। अमित ने कहा कि अगर भाई भाग सकता है तो बहन का क्या भरोसा। तोहफे के नाम पे जलील करना चाहते हैं मुझे आप? मनीषा, तेरी शादी बस हम नहीं करनी। मुझे कोई शादी? मनीषा, तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी तो सेटल हो जाएगी ना। मनीषा बेटा, एक वक्त पर साथी की जरूरत पड़ती है। हाँ मनीषा, तू कब तक अकेली रहेगी और क्यों? आपका भी अपना परिवार होना चाहिए ना दीदी। मनीषा, तेरे चारों भाई राजी हैं, बस तू भी हाँ कह दे। मनीषा, मनु, तेरी वजह से मनीषा की शादी टूटी। उसे दुखी मत कर। पर माम, आज उसका जन्मदिन है। आज ही के दिन तुम सबको ये सब करने की सूझी थी? माँ, हम सिर्फ उसे सेटल देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम भी वही चाहते हैं,
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।